दबाइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश हो सकते हैं। जी हां, अखिलेश यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। सीबीआई की ओर से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत समन भेजा गया है। सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ के लिए आज समन दिया है और अवैध खनन घोटाला मामले में ये समन जारी किया गया है। अवैध खनन मामले में बतौर गवाह अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा और इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं, जो किसानों की आवाज हैं, जो युवाओं की आवाज हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के हथकंडे अपनाती रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए अलायंस देश के की महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की आवाज भारतीय जनता पार्टी के इस तानाशाही सपने का चकनाचूर कर देगी। नहीं, ऐसा नहीं है, और जो भी एक प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के तहत एजेंसियों ने परीक्षण करके ये इस प्रकार की नोटिस सूचना जारी की हो। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल सीबीआई ने अखिलेश को अवैध खनन के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। अखिलेश को 2012 से 16 के बीच हमीरपुर में कथित अवैध खनन मामले में समन जारी हुआ है, जिसका मुकदमा साल 2019 में दर्ज किया गया था। सीबीआई ने अखिलेश को धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें आज दिल्ली सीबीआई ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सीबीआई ने अपने नोटिस में कहा है कि पूरे मामले में गवाह के तौर पर अखिलेश यादव को मौजूद रहना होगा। अवैध खनन में जो एफआईआर है उसमें आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया। सरकारी कर्मचारियों ने गैर कानूनी तरीके से नए पट्टे आवंटित किए, लोगों को अवैध रूप से छोटे खनिजों का अवैध खनन करने की छूट दी गई, साथ ही सरकारी खनिजों की चोरी और लूट की छूट दी गई। पूरे मामले में बीजेपी ने कहा है कि अगर सीबीआई ने नोटिस भेजा है तो सही ही होगा। अगर दूध के धुले नहीं है तो उनको सामना करना पड़ेगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, सीबीआई की तरफ से समन जारी किया गया है अखिलेश यादव को, आज को लेकर क्या अपडेट आपके पास? कितने बजे पहुंचेंगे या जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी असमंजस बना हुआ है। देखिए, असमंजस अभी भी बना हुआ है। अगर जाते हैं तो 12 बजे के बाद का समय होगा, और अगर नहीं जाते हैं तो अपने वकीलों की फौज खड़ी करके और अपने पक्ष में उनके द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया है उसको कराएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जब से ये नोटिस समाजवादी पार्टी के संज्ञान में आया है, अखिलेश यादव के संज्ञान में आया है, इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। समाजवादी खेमे में ये चर्चा है कि जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह के नोटिस आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस दौरान का ये मामला है, और उस दौरान जो अवैध खनन पी टेंडर प्रक्रिया है उसमें, अवैध खनन के जो ई टेंडर प्रक्रिया है उसमें धांधली के बारे में इस पूरे मामले में उनको गवाही देनी है। 12 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है कि जब इस पूरे मामले की जो है तस्वीर वो साफ हो सकेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच आपको बता दें, यूपी में अवैध खनन से जुड़े मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है, और आज बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास वो सीबीआई दफ्तर पहुंच सकते हैं।